পাণ্ডবেশ্বরের সমর্পণ সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও হোলি মিলন উৎসব উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বিধায়ক জিতেন্দ্র তেয়ারি বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পাণ্ডবেশ্বরের এই আয়োজন খুবই প্রশংসনীয়। আজকের দিনে মহিলাদের প্রতি সম্মান জানানো, তাদের অধিকারের প্রতি সচেতন করা, তাদের উপরে হওয়া অত্যাচার থেকে বাঁচানো নিয়ে সারা পৃথিবীতে আলোচনা চলছে। একই সঙ্গে এই নিয়ে পাণ্ডবেশ্বরেও আলোচনা হচ্ছে, তা দেখে ভালো লাগছে। এর জন্য গোটা ট্রাস্টের সব সদস্যদের ধন্যবাদ। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में समर्पण सेवा ट्रस्ट के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के दिन महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना, महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति सचेत करना, महिलाओं पर जो जुल्म सितम ढाया जाता है उससे कैसे अपने आप को सुरक्षित करें, इस पर चर्चा करना, ये काम सारे विश्व में आज हो रहा है। और सारे विश्व के साथ साथ हमारे फाउंडेशन में भी ये चर्चा हो रही है, ये देखकर यहाँ के विधायक के रूप में मुझे अच्छा लग रहा है। और समर्पण सेवा ट्रस्ट के द्वारा बिंदु जी और वकील साहब के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, इसके लिए उनके पूरे टीम को और जो लोग भी उनके साथ हैं सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केवल एक चीज आज अपने मन में आप ठान लें तो 80% महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक काम आज मन बना के रहिए कि किसी भी महिला के दुख का कारण दूसरी कोई महिला नहीं बनेगी, केवल ये इसके लिए पुरुष की जरूरत है। आप महिला हैं, आप चाहती हैं कि किसी भी महिला पर कोई अत्याचार न हो, चाहती हैं तो केवल एक आप ठीक कर लीजिए कि आपके कारण दूसरी किसी महिला का न्याय के साथ अन्याय नहीं हो, क्योंकि बिना महिलाओं को साथ में लिए हुए दूसरा कोई भी पुरुष किसी महिला पर अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। कहीं भी दहेज के लिए जब अत्याचार होता है तो ससुर के साथ साथ कहीं ना कहीं सास और ननद भी होती है, कहीं सास पर अत्याचार होता है तो कहीं ना कहीं बहू होती है। समाज में जो गलत धारणाएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पुरुष किसी महिलाओं का साथ लेकर ही अन्याय करता है। तो कम से कम पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर अत्याचार ना हो, इसके लिए कानून है, सामाजिक नियम है, ये तो है, लेकिन महिलाएं किसी महिला के लिए दुख का कारण ना बने, ये आपके अपने हाथों में। শহর রঘুনাথপুরে স্বল্প মূল্যে প্লট ভিত্তিক জমি কেনার কথা ভাবছেন, তাহলে আপনাদের জন্য রয়েছে এক খুশির খবর। রঘুনাথপুর শহরের আইটিআই সংলগ্ন স্থানে 18 ফুট রাস্তার ওপর 963 ডিসমিল প্লট ভিত্তিক জমি 1,00,000 টাকা প্রতি ডিসমিল হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। জয়চণ্ডী পাহাড়ের সুরম্য প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নিকটবর্তী রেল স্টেশনের সুবিধাযুক্ত এই প্লটের সামনাসামনি আপনারা পেয়ে যাবেন রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, রঘুনাথপুর কলেজ, পুলিশ স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, বয়েজ ও গার্লস স্কুল, পার্ক এবং কমিউনিটি হল। তাই এরকম বহুল সুবিধাযুক্ত ও সুন্দর পরিবেশে জমি কেনার জন্য অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। আমাদের যোগাযোগ ফোন নম্বর 9932838325।